नमस्कार। बुरे से बुरा घाव भर जाता है, लेकिन जबान से निकले शब्द की जो चोट होती है वो ताउम्र नहीं भरती। इसलिए जो भी बोलिए तोल मोल कर बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान ही है जो आपको दूसरों में लोकप्रिय बनाती है, दोस्त बनाती है। तो आपके तारे में हम कोशिश करते हैं हर रोज कुछ नया सीखने की ज्योतिष गुरु से, और इसी कोशिश के तहत एक बार फिर से हम और आप साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ आज के दिन का स्वागत करते हैं, कुछ सीखने समझने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं वो करें आज जो हम शायद अब तक ना कर पाए हो। तो सब कुछ होगा, लेकिन पहले पंचांग जानेंगे। तब आज 17 जनवरी 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है सुबह 7:28 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है देर रात 1:12 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे 1:49 पर। आज मासिक कालाष्टमी व्रत है और श्री रामानंदाचार्य जयंती। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आज के दिन को समझने जानने उसे दोस्ती करने के लिए, और फिर ये नोट करने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वाले हर चीज को कठिनाइयों के संदर्भ में देख रहे हैं, पर इस बात को नहीं समझ पा रहे कि बहुत सारी वो कठिनाइयां आपने खुद अपनी ओर से बनाई जिसमें आपकी गलतियां नजर आ रही। अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सख्त बनाकर इंसान अपने लिए मुश्किलें ही बटोरता है। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति ठीक है और जिंदगी को नई नजर से देखा जा सकता है, ताकि जो भी बेहतर होती हुई संभावना है उस ओर भी नजर दौड़ाई जाए और कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाए। अपनों के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, पर बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की कोशिश करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी ऐसे मतभेद को बढ़ावा न देते चले जाएं जिसमें लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, इसलिए किसी को भी नाराज न करें। अपने अंदर भी ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ले आए जिसके चलते आप व्यर्थ में लोगों से उलझते न चले जाए। वृषभ राशि वालों के विचार रिश्तों के प्रति बहुत अच्छे हैं और आप अपनों को ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से आपको अपने आसपास के लोगों में बहुत सारी अच्छाइयां नजर आ रही। इसी चीज को आधार बनाकर अगर इंसान फैसले करे तो रिश्तों को संभालना आसान हो जाता है। क्या करना चाहिए समय? काम के प्रति अपना ध्यान बनाए रखें, पर अपनी ओर से किसी ऐसे मतभेद को बढ़ावा देते चले जाने से बचें जिसमें आपकी ओर से लोगों की बात समझने में कोई कमी हो। लोगों के प्रबल होते हुए विचारों को भी कुछ हद तक कबूल कर लें, ताकि किसी भी तरह के तकरार से बचा जा सके। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले किसी भी तरह के असंतोष के तहत बिल्कुल ना करें। लोगों की मदद जरूर करें, पर ऐसा करते हुए कहीं आप अपना नुकसान ना करते चले जाएं। मदद कीजिए लोगों की, लेकिन अपना नुकसान नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा मदद करते वक्त। सवाल लेंगे, सवाल आयुष के बारे में पूछा गया है परिवार की तरफ से। 7/2/1996 1:33 में इनका जन्म हुआ है। पटना में, जगह है मिर्जापुर, वहां पर। खैर, एमटेक कर रहे हैं आईआईटी कानपुर से, क्या बात है, और प्लेसमेंट सेशन चल रहा है। सफलता कब तक? आपने अपने बेटे आयुष के बारे में पूछा जी, उसके करियर के बारे में। आयुष की कुंडली है वृषभ लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतरदशा चल रही है बुध की 2020 तक। एमटेक कर रहा है आपका बेटा और प्लेसमेंट का दौर चल रहा है। आपने कहा कि रिटर्न तो क्लियर हो जाता है लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पा रही। देखिए, अब तक प्लेसमेंट हो गई होगी या होने का समय चल रहा है, तो प्लेसमेंट तो हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। पर सही रूप से कैरियर जो है वो जनवरी 2021 से बनेगा, अब से एक साल के बाद, तो थोड़ा सा संयम भी रखना ही पड़ेगा। तो सवाल का जवाब देते देते प्लेसमेंट तो हो चुकी होगी, लेकिन सही मायने में जैसा करियर आपका बेटा चाहता है वो बन रहा है 2021 में, तो उनसे कहिएगा शांत रहें, बहुत कुछ बहुत अच्छा होगा उनके साथ 2021 में। अब सवाल लेंगे हम आगे। राजेंद्र कुमार शर्मा का सवाल है जो कि अपनी बेटी सुनीता के लिए पूछ रहे हैं। 13/11/1987 8:18 सुबह इनका जन्म हुआ है, बेरला हरियाणा। बताओ न सभी काम करती हैं, शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक शादी तय हो जाएगी, शादी का सही समय कब तक है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से सही रिश्ता नहीं मिल पा रहा है।
राजेंद्र जी, आपने अपनी बेटी सुनीता के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। सुनीता की कुंडली है जी वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है शनि की फरवरी 2022 तक। बेटी की शादी कब होगी, क्योंकि आपने कहा कि सही रिश्ता नहीं मिल पा रहा। सितंबर अक्टूबर 2020 में कोशिश की जाए तो बात बन सकती है, और अगर वो समय हाथ से निकल जाए तो फिर मार्च अप्रैल 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस बात की अहमियत को समझिए। इसी साल सितंबर अक्टूबर 2020 में शादी का योग है, उससे पहले आपको अपनी कोशिशों को बढ़ाना है। सितंबर अक्टूबर 2020 में बात बन सकती है, कोशिश भी कर लीजिएगा, वरना फिर आगे थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ जाएगा। तो ये जो अच्छा समय है इसका अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे मिथुन और कर्क राशि। आपके लिए आज का दिन कैसा है और आज के दिन के पलों का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों के सामने निजी जीवन की खुशियों को संभालने में जो भी कमियां हैं उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना होगा। कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई झगड़ा भी इस बात की वजह से हो सकता है जिसमें पैसे के लेन देन से जुड़े फैसले शामिल, यहां तक कि जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे भी संभालने से ही संभलेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय, कुछ हद तक नुकसान भरी स्थिति है जो आपके किसी जोखिम उठाने की वजह से बनी हुई, इसलिए हालात आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और आपको क्या समझाना चाह रहे हैं इस बात को समझ लें। आपकी क्षमताएं अच्छी भली हैं पर उसके बावजूद ये समय संभल कर चलने का है, और इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में, ना तो आप लोगों की गलती निकालें और ना ही अपनी कोशिशों को बिखेरते चले जाएं। पैसे से जुड़े फैसले भी इस रूप से लें जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता ना चला जाए। कर्क राशि वालों की कोशिशें भी अच्छी हैं और अपने कामकाज को बढ़ावा देने का समय भी सुंदर। आप कुछ सीखकर और समझकर कुछ बेहतर करना भी चाह रहे हैं जिसका अच्छा फल आपको भविष्य की बेहतर होती हुई संभावनाओं के रूप में मिल सकता है। क्या करना चाहिए समय, निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए अभी भी जूझना पड़ेगा। कई तरह के फैसले इस रूप से करने पड़ेंगे जिसमें आपके लिए बचाव बना रहे। अपनी आमदनी को किसी भी तरह के खतरे में डालने से बचना होगा ताकि किसी भी मुश्किल को समय रहते संभाला जा सके। क्या ना करें इस समय, रोजमर्रा की चुनौतियों को इतना ना बढ़ा लें कि उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए। अगर किसी चीज को लेकर आपका मन परेशान है तो उस रास्ते पर चलने की गलती बिल्कुल ना करें। अपनी कोशिशों को बेहतर किया जा सकता है पर ऐसे में अपने पैसे का नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं। तो मदद कीजिए लेकिन अपने पैसे का भी ख्याल रखिए, आपका नुकसान ना हो इस बात को भी समझते हुए ही मदद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और अब सिंह और कन्या राशि आपके लिए देखते हैं क्या नजर आ रहा है आज के दिन ज्योतिष गुरु को। सिंह राशि वालों ने अपने हालात को भली भांति समझने की और संभालने की कोशिश की है। उसका अच्छा असर ये हुआ है कि आपकी निजी जीवन की खुशियां बनी रह सकती हैं जिसमें तकदीर की भी भूमिका अच्छी है, जिस वजह से सब कुछ आपके हित में ही बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय, कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से हाथ मिलाकर चलना होगा, और किसी भी प्रयास में अगर आप लोगों के सहयोग से चलेंगे तो आपकी उपलब्धियों में भी इजाफा हो जाएगा। इस अच्छाई को समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या न करें इस समय, पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। अगर किसी चीज को लेकर पहले से मन में कोई खटका है तो आप कोई बड़ी गलती ना करते चले जाएं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी तो आपके मन में कुछ बेहतर करने का जज्बा भी बनता चला जाएगा, और उसी से आपकी मेहनत उभर कर आएगी जो आपकी किसी भी चुनौती को संभालने में आपकी मदद करती चली जाए। क्या करना चाहिए समय, पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से करने होंगे जिसके चलते आपकी समृद्धि में इजाफा हो, इसलिए पैसे के लेन देन पर भी नजर रखनी होगी। काम और कारोबार से जुड़े फैसले भी इस रूप से करने होंगे जिसमें आप किसी नुकसान से बचकर निकल जाएं। इस प्रयास को बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रियजनों का सहारा भी लेना पड़ेगा। क्या ना करें समय, रिश्तों को लेकर कोई ऐसी बड़ी इच्छा न पाले जिसका बुरा असर आपकी छवि पर पड़े, इसलिए अपने पढ़ाई के क्षेत्र में या अपने कामकाज के क्षेत्र में किसी ऐसे रिश्ते के पीछे ना भागे जिसका अभी समय नहीं आया। तो बिला वजह ऐसे किसी रिश्ते के पीछे आपको नहीं भागना है जिसका भी वक्त ही ना आया। बाकी जो प्रायोरिटीज हैं जिंदगी की, प्राथमिकताएं हैं, उन पर ध्यान दीजिए। सवाल प्रिंस रंजन हाजीपुर से पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1994, 3:35 दोपहर में इनका जन्म हुआ है, हाजीपुर बिहार। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, 2017 में नौकरी की तलाश में है। कब तक एक अच्छी नौकरी मिलेगी और क्या विदेश में नौकरी करने का या हायर स्टडीज का, इसका भी कुछ गाइडेंस मिल सकता है।
प्रिंस आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और तुला राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की जुलाई 2020 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। 2017 में आपने इंजीनियरिंग की थी, जॉब के बारे में सवाल पूछा है, जॉब कब मिलेगी, और जुलाई से दिसंबर 2020 में आपको जॉब मिल सकती है। तो इसलिए आने वाले 6 महीने का सही सदुपयोग कर लें, अपने आप को तैयार कर लें जॉब के लिए, ताकि जब जॉब पाने का समय आए तो आपकी ओर से कोई कमी ना हो। आपने पूछा विदेश का कोई योग, तो अभी तो ऐसा योग नहीं है, लेकिन 2021 में अगर आप चाहें तो ऐसी कोशिश कर सकते हैं। मैं इसे भविष्यवाणी के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन कुंडली का इशारा यह है कि 2021 से आपकी वो जो संभावनाएं हैं वो भी खुल सकती हैं, इसलिए ऐसी कोशिश बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं। जहां तक आपने आगे की पढ़ाई की बात की है, तो अभी आपका मन नहीं है और ऐसी कोई योग भी नहीं है कुंडली में, इसलिए फिलहाल 2020 में अब से 6 महीने के बाद पहले अपना कैरियर बनाएं और अपने जॉब लेके अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं, वही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। देखिए, जुलाई से दिसंबर में आने वाले 6 महीने में आपको जॉब अच्छी मिल सकती है, इसके लिए पूरी कोशिश कर लीजिए। फिर 2021 में विदेश जाने का भी मौका आपको मिल सकता है, पढ़ाई में भी उतना मन नहीं है इसलिए उधर उलझने का कोई मतलब भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम और अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल है कुमार मणि शर्मा का, 9/6/1986, 12:05 AM इनका जन्म हुआ है, विराट नगर नेपाल। शादी कब तक होगी, अपना बिजनेस है इनका, शादी कब तक? मणि आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मिथुन राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की मार्च 2020 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। कब तक शादी होगी? आपने कहा आप एक बिजनेस करते हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन शादी में देरी हो रही है। अप्रैल से जुलाई 2020 में बात बन सकती है, इसलिए अभी से उस कोशिश को बढ़ा लें, क्योंकि अप्रैल 2020 कोई दूर नहीं, और ये इसलिए भी क्योंकि आगे भी देरी हो चुकी है, और ज़्यादा देरी ना हो तो अभी का समय अनुकूल है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, अप्रैल से जुलाई 2020 में शादी का एक अच्छा सा समय है, तो पूरी कोशिश आपको अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेने से पहले तुला और वृश्चिक राशि आपके बारे में जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा है। तुला राशि वालों का मन पहचान हो रहा है कि जिंदगी का कोई नया रास्ता अपनाया जाए, इसलिए आप कई तरह के विकल्प टटोल रहे हैं, पर फैसले इस बात को आधार बनाकर करना चाह रहे हैं कि आपकी आर्थिक सुख समृद्धि में किसी चमत्कार के रूप में बढ़ोतरी हो जाए। आर्थिक स्थिति वैसे ही संभल रही है, उसके लिए कामकाज में कोई बड़ा परिवर्तन करना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए सब? अपनी जानकारी को बढ़ाने के प्रयास में आपको अपने अंदर कई तरह के परिवर्तन करने होंगे, और अगर किसी भी जानकारी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है तो फिर अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को भी हटाना पड़ेगा। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ा कोई ऐसा असमंजस भी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्या ना करें इस समय? किसी भी तरह के बदलाव को आप धन लाभ की उम्मीद से देख रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो उम्मीद उसी रूप से पूरी हो जाए, इसलिए कोई ऐसा खेल ना खेलें जिसका बुरा असर आपके निजी जीवन की खुशियों पर पड़ता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और हालात भी मदद कर रहे हैं, इस वजह से आपका भरोसा जगा हुआ है। आप अपनी बात ही कह रहे हैं और अपनी बात ही मनवा रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी कमियां छुपी हुई हो सकती हैं। अगर किसी से विचार ना मिले तो ये भी एक परेशानी का कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समझ? जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इंसान खुश रहे, और खुशी अपनों से जुड़कर ही बनती है। जब आप इस सच्चाई को कबूल करेंगे तो अपनों को समझना आसान हो जाएगा, आप किसी भी बहस से बचकर निकल जाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़े रोजमर्रा के दबाव को लेकर आप कहीं घबरा ना जाए, इसलिए ऐसा ना सोचें कि पीठ पीछे कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है। हालात को ना समझने की वजह से गलती कर जाना ठीक नहीं है। देखिए, हालात को समझे बगैर कोई गलती हो जाए, इसलिए बहुत जरूरी है हालात का सही आकलन करना। धनु और मकर राशि, देखिए आज के दिन का सही आकलन करके ही तो हम हाजिर हैं आपके सामने, आपको ये बताने कि आप क्या करें क्या ना करें आपके राशिफल के साथ। धनु राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके ऊपर बहुत सारे दबाव, जिसकी वजह से आपके कामकाज की स्थिरता पर असर आ सकता है। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को इस रूप से इस्तेमाल करना होगा जो आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में इस तरह की प्रतियोगिता की भावना लानी होगी कि आपकी अच्छाई और आपकी मेहनत उभर कर आए, जबकि इस समय की सच्चाई यह है कि आप लोगों के भरोसे ज्यादा चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति ठीक होने के बावजूद भी कमजोर ही होती है।
क्या ना करे समूह, अपने काम और कारोबार को भाग्य के भरोसे चलाना ठीक नहीं। अच्छी बात यह है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, पर हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहे ऐसा होता नहीं। अपनी क्षमताओं को आधार बनाकर अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही आपसे कोई गलती नहीं होगी। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों की अच्छाई की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बनी हुई है और आपकी जिंदगी की खुशियां भी बनी हुई हैं। काम से लगातार लाभ बना हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समूह में, किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, पर कोई ना कोई गलतफहमी उभर कर आ सकती है, जिसके चलते आपकी इच्छाओं को पूरा होने में कोई ना कोई कमी रह जाए, इसलिए फिलहाल रुक जाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, काम से लाभ है और आर्थिक स्थिति ठीक है, पर यह समय कठिन है जो आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए रोजमर्रा की कठिनाइयों को समय के साथ संभालते चले जाना ज्यादा जरूरी है। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है, पर कामकाज को बढ़ावा देने का समय, इसलिए अपने मन के भटकते हुए विचारों को थाम कर काम के प्रति समर्पित रहना होगा। क्या करना चाहिए समय में, तकदीर आपका हर तरह से साथ निभाना चाह रही है, आपके अपने भी आपके साथ है, इन्हीं खुशियों को सहेज ले और जिंदगी के फैसले सही रूप से कर ले। रिश्तों में उन लोगों को नाराज करते चले जाने से बचना होगा जो आपका साथ निभा सकते हैं। क्या ना करें समय में, किसी प्यार के रिश्ते को लेकर फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हर चीज को बनने में और पनपने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, क्योंकि आप अपनी ओर से रिश्तों के प्रति समर्पित हैं और आपकी हर बात का लोगों पर अच्छा असर पड़ रहा है, यही वजह है कि हालात आपके लिए संभले हुए हैं। क्या करना चाहिए समूह, कई तरह की छुपी हुई मुश्किलें भी हैं जिन्हें संभालना होगा, और खासकर अपनी कोशिशों को कम करते चले जाने से भी बचना होगा। सिर्फ रिश्तों में उलझे रहेंगे तो कोई ना कोई और प्राथमिकता का क्षेत्र कमजोर पड़ता चला जाएगा। क्या ना करें समय में, अपने आसपास के लोगों से सद्भावना बनाए रखें, पर इस बात को समझने में कोई गलती ना करें कि हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता, और आपके अच्छे विचारों के बावजूद जरूरी नहीं है कि लोग आपको समझ पाएं, इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं कि लोग आपसे दूर हटते चले जाए। तो व्यवहार ऐसा हो कि लोग आपके पास आना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, ना कि आपसे बिदक जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। नरेंद्र का सवाल है सर, 1/10/1973 10:10 AM इनका जन्म हुआ है रोहतक में। 2014 में इनकी शादी हुई काफ़ी लेट, फिर 6 महीने में अलग हो गए दोनों लोग। अब क्या दूसरी शादी का योग है, एक तो ये सवाल है जो इनकी व्यक्तिगत जिंदगी से ताल्लुक रखता है, दूसरा बिजनेस अपना कब तक सुधरेगा। नरेंद्र जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2021 तक। पहले ही आपने कहा शादी बहुत देरी से हुई, 41 वर्ष की आयु में, और जब शादी हुई तो 6 महीने ही शादी चली, उसके बाद आप अलग हो गए 2014 में, तो ये परेशानी की बात रही। अब आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, कोई दूसरी शादी होने का कोई योग है, और बिजनेस के बारे में भी पूछ रहे हैं। देखिए, दूसरी शादी आपकी हो सकती है, अगर आप चाहें तो अभी का समय भी ऐसा बना हुआ है जो अनुकूल है, तो कोशिश की जाए, बात बन सकती है। जहाँ तक आपने बिजनेस के ग्रोथ की इम्प्रूवमेंट की बात की है, तो जनवरी फरवरी 2021 में आपके बिजनेस में सुधार हो सकता है। तो दूसरी शादी का समय चल रहा है, ये फैसला कर लेना चाहिए, और जनवरी फरवरी 2021 से आपका बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, तो सब धीरे धीरे अब अच्छा ही हो रहा है जिंदगी में, तो परेशानी का समय शायद अब कट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जैकपॉट जी जानते हैं ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा, और यह समय रिश्तों को संभालने की प्राथमिकता दर्शा रहा है, साथ ही साथ इस बात को भी दर्शा रहा है कि काम और कारोबार में बड़ी तरक्की मिल सकती है, जिसमें आपकी लगन और आपकी मेहनत ही काम आएगी। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, और जो शुरू में बात कही थी कि जो भी बोलिए तोल मोल कर बोलिए, क्योंकि जबान से निकली गलत बात लोग अरसे तक नहीं भुला पाते हैं, इसलिए कि जो बगैर हड्डी की शय है इस पर थोड़ी सी नजर रखनी जरूरी होती है जिंदगी में सफल बनने के लिए हम सबको। अगर कोई मुश्किल है तो आईडी लीजिए आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे लेकर।